हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से जर्नल, आज हमारा लास्ट ये होगा लेक्चर जर्नल वाले चैप्टर का, जिसमें मैंने लास्ट इलुस्ट्रेशन 16 एंड 17 दो क्वेश्चंस हैं। दोनों ही हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है। कुछ कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है। ओपनिंग जर्नल एंट्री उसे बोलते हैं जो आपकी फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पर होती है, जो आपका बिजनेस जिसे हम स्टार्ट करते हैं या फिर जो आपके बैलेंसेस गिवन होते हैं 1 अप्रैल को, तो उसे आप ओपनिंग जर्नल एंट्री बोलते हो। इसके कुछ रूल होता है ओपनिंग जर्नल एंट्री का, जो कि मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूँगी, बैलेंसेस भी मैं नोट डाउन करूँगी, क्वेश्चन सिर्फ हम आपको स्क्रीन पर शो करके दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। बैलेंस शीट आपको गिवन है ऑफ आरके एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। आपको देखो 31 मार्च की बैलेंस शीट गिवन है, एक साइड लाइबिलिटीज़ हैं और एक साइड एसेट्स हैं। ये सारे बैलेंसेस हम सीधा जर्नल एंट्री में पास करेंगे, ठीक है। और आपको नीचे गिवन है पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी थी, ये हमने जो भी बैलेंसेस थे जिसके हमने नोट डाउन कर लिए, हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री बोला था। ओपनिंग जर्नल एंट्री का जो रूल होता है वो आप अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो। ओपनिंग जर्नल एंट्री इसका रूल क्या होता है, जब भी आप ओपनिंग जर्नल एंट्री एग्जाम में आती है, ये तो आपको चलो बैलेंस शीट ही दी थी, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल तो वैसे भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ऐसे बैलेंस शीट वाला नहीं आएगा। आपको ऐसे अलग अलग बैलेंसेस दिए होंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उसको आप ध्यान से देखना, तो वैसे क्वेश्चन आता है। अब ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। हमें क्या करना होता है, वैसे ओपनिंग जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है, जो चीज़ें जैसे एसेट्स है, ये सारी क्या है आपके पास एसेट्स है, और ये सारी आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल है, तो आपका जो डेबिट एसेट्स होती है वो डेबिट में चली जाती हैं। जर्नल में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा रूल क्या, अगर डेबिट साइड का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड के टोटल से क्या है, ज़्यादा है। डेबिट साइड, जैसे मैं भी इसके साथ एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे डेबिट साइड का जो टोटल है मान लेते हैं 120,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 100,000 है, तो आपका जो डिफरेंस होगा, जो रूल होगा, वो किस में जाएगा, कैपिटल में। क्लियर है, किस में जाएगा, कैपिटल में। ये 11th क्लास में तो कैपिटल में जाते हैं बेटा, जब 12th क्लास में जाते हैं तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब इन केस अगर डेबिट साइड का टोटल, यही सेम टोटल, डेबिट साइड का टोटल क्या है, कम है क्रेडिट साइड के टोटल से, क्या है, कम है, मतलब अपोजिट कर देते हैं। जैसे 100,000 है, इसका टोटल क्या है 100,000 और इसका क्या है 120,000, तो जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, गुडविल में। ये हमारा रूल होता है। अब हमें तो सिर्फ इसमें ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी थी। ओपनिंग जर्नल एंट्री कब होगी, 1 अप्रैल, यहाँ पे डालोगे 2024 और 1 अप्रैल। जो आपके एसेट्स वाले बैलेंस हैं वो डेबिट में आ जाएंगे, तो बस आप यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट। अब देखो बाकी मैंने ऐसी डेबिट में जो भी चीज़ें हमारी एसेट्स की थी ना, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट होती हैं, तो ये हमने क्या करा, जर्नल एंट्री में सबको क्या कर दिया, डेबिट में डाल दिया। और ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी और क्या, पहले लाइबिलिटीज़ डालेंगे बैंक लोन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तक, बैंक लोन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तक, और फिर कैपिटल डालेंगे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसकी ये ओपनिंग जर्नल एंट्री है। ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब फर्स्ट डेट पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करेंगे, उसमें हमारा जो है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं होगा, फिर हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसमें भी हमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं, मैंने बैलेंसेज ही नोट डाउन कर लिए हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हमने क्या किया, जो भी आपकी बुक्स में था आप क्वेश्चन रीड कर लेना,
उसमें आपको ये बैलेंसेस दिए हुए थे। अब मैंने क्या किया, जो जो बैलेंस थे वो नोट डाउन कर लिए। हमें ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का रूल क्या होता है, पहले डेबिट साइड में डाल दो और फिर क्रेडिट साइड में डाल दो। सबसे पहले हम जो डेबिट की चीज़ें होती है, मतलब जो भी एसेट्स होती हैं, उनको हम डेबिट में डाल देंगे। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, तो हम यहाँ पर डालेंगे कैश इन हैंड, कैश इन, कैश ओनली कैश भी आप लिख सकते हो, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। पहले हम नाम लिख लेते हैं और फिर हम अमाउंट लिखेंगे। स्टॉक भी हमारी एसेट होती है, डेबिट। मशीनरी भी हमारी एसेट होती है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब्दुल और नीरज, ये दोनों आपको वहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए थे कि ये दोनों क्या हैं, डेटर्स हैं। तो डेटर क्या होती है, हमारी एसेट होती है, क्योंकि इनसे पैसा आना होता है। तो हम इन्हीं के नाम ही लिख लेते हैं, अब्दुल डेबिट और नीरज, बोथ आर डेटर्स, नीरज डेबिट। नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं। अब टू, टू में क्या है, लोन दिया था और हमें, लोन के साथ जब भी आपको कुछ नहीं दिया होता डेबिट या क्रेडिट, तो आप उसे क्रेडिट ही मानते हो, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है। तो टू लोन अकाउंट एंड टू अमित, अमित के साथ आपको बोला था कि वो क्रेडिटर है, तो टू अमित, अमित के साथ अकाउंट वर्ड हम नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डेबिट के हमने जितने भी आइटम्स थे हमने लिख ली, उनका हम अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर 6000 है, यहाँ 25,600, ये 9000, 45,000, 18,000, 20,500, 26,000, और ये लोन क्रेडिट है तो इसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा 50,000, एंड लास्ट वन 6,700। अब हमें ओपनिंग एंट्री का रूल क्या होता है, जितनी भी डेबिट साइड का जो टोटल है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, ये जितना भी हमने 6,000 से लेके 26,000 तक हमने ये सारा जो टोटल किया, इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1,50,100, मतलब डेबिट साइड का ये टोटल है, ठीक है। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है 50 + 60, तो ये कितना है, 56,700। अब देखो डेबिट साइड क्या है, डेबिट साइड का टोटल जो है वो मोर देन है, ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से। मतलब हमें जो जर्नल एंट्री का रूल होता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखो हमारा इधर का जो टोटल है वो तो 1,50,100 है, और इधर का सिर्फ 56,700, तो इसको बराबर करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 93,400 आ रहा है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 93,400, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैंने लिखा था अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो डिफरेंस क्या होता है हमारा, ये कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आप क्या डाल दोगे, टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि हमने ये हमारा जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज will be entered। आप नरेशन आपको जरूर लिखनी होती है, चाहे आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में उसी एंट्री की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 17 ख़त्म होता है, और इसके साथ हमारा जर्नल वाला चैप्टर भी, जितने भी हमारे इलस्ट्रेशन थे वो भी हमारे सारे कंप्लीट होते हैं। आपको किसी भी 1 से लेकर 17 तक अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए, कोई एंट्री नहीं समझ आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे।